यूपी बोर्ड का लंबे इंतजार के बाद 10वीं और 12वीं परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया, जिसमें मुरादाबाद में कांट के पब्लिक इंटर कॉलेज के छात्र प्रशांत कुमार ने प्रदेश में 8वां और जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जी प्रशांत कुमार, प्रशांत कुमार जी, आपका प्रदेश में कौन सा स्थान आया है? सर 8वां स्थान आया है। आगे क्या करना चाहते हैं? सर बैंक की नौकरी करना चाहते हैं। आपके फादर क्या करते हैं? मेरे पापा जी एक बैंक, उसमें मैं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। अच्छा, और आप अपने छात्रों को, अपने साथियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर संदेश यही है कि सभी मन लगा कर पढ़ें और जैसे मेरे नंबर आए हैं इसी तरह से सभी के नंबर आए। अच्छा, आपके प्रेरणा स्रोत कौन है? जी मुख्य रूप से पीके सर और सभी टीचर। अच्छा, और आप कौन से खेल में रुचि रखते हैं? सर खेल तो वैसे कोई नहीं, फिर भी क्रिकेट का थोड़ा शौक है। अच्छा, और आपके कितने भाई बहन हैं? सर हम दो भाई हैं। अच्छा, मदर क्या करती हैं? जी वो गृहिणी हैं। तो आप सभी को क्या संदेश देना चाहते हैं? सभी को ये संदेश है कि सभी बच्चे जो हैं साथ के हैं वो सभी पढ़ें और जैसे मेरे नंबर आए हैं इसी प्रकार सभी के नंबर आए। ठीक, कल्पना की थी? हाँ, उम्मीद तो थी कि जिले में कोई ना कोई तो स्थान आएगा, बट जिला टॉप करना और अच्छी बात है। आगे मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, इसके लिए रोजाना मतलब और बेहतर करने की कोशिश करूँगी, इससे भी अच्छा। और भविष्य में आप क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर बनना चाहती हूँ। कारण? क्योंकि लोगों की सेवा करना अच्छा लगता है। पढ़ाई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, बेहतर परिणाम आएगा। आपने अपनी परीक्षा की तैयारी किस प्रकार की? रोजाना रूटीन से 8 से 10 घंटे बहुत हार्ड है, सबने मेहनत की थी कि मैं अच्छा बेहतर परिणाम ला कर पाऊँ। अच्छा, आप अपनी शानदार सफलता का श्रेय किसे देना चाहती हैं? पेरेंट्स और भैया। आपका सबसे, आपकी रुचि किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा? इंग्लिश एंड मैथ। क्या अच्छा क्या लगता है इंग्लिश, क्यों अच्छी लगती है आपको? अच्छी लगती है मतलब इंग्लिश में सेंटेंस वगैरह जो मतलब बनाने होते हैं, और मतलब सवाल तो यही है आपसे। अच्छा है, कर रहा हूँ। अच्छा, कैसे कैसे तैयारी की थी और कितना वक्त दिया था पढ़ाई को? सर सेल्फ स्टडी प्रेफर करी थी, प्लस टू सन्स तो पढ़ते ही हूँ। इंग्लिश के, फिजिक्स का, केमिस्ट्री, मैथ्स, और स्कूल में भी अच्छा पढ़ाते हैं सभी सर। कितने घंटे पढ़ाई करते थे एक दिन में? सर 4 आवर। 4 आवर सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी और ट्यूशन व्यूशन सब बताओ। अच्छा, तो जब एग्ज़ाम हुआ था उस समय आपको लगा था कि मतलब 90% नंबर आएंगे? वैसे सर इस बार जो NCERT पैटर्न वो हुआ था, फॉलो हुआ था फर्स्ट टाइम्स, तो इतने सर 91 थोड़ा सोच के नहीं चला था, वहाँ पर 85 से अब सोचा था, 87-80। अच्छा, फेवरेट सब्जेक्ट क्या है आपका? फिजिक्स। फिजिक्स, आगे क्या अपने लिए आपने लक्ष्य रखा है, क्या करना है जिंदगी में आगे? सर बीटेक करना है सर, IIT से। IIT से एग्जाम वगैरह दिया है या अभी? हाँ सर, फर्स्ट अटेम्प्ट अभी अप्रैल वाला दिया है। अब आगे कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे हैं जो पूरे साल भर पढ़ाई करते हैं लेकिन अच्छे नंबर नहीं आ पाते हैं, 70-80 के आसपास, उन लोगों को क्या आप कहना चाहेंगे, किस तरीके से पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए या सिर्फ पढ़ाई करनी चाहिए और चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, या दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलना चाहिए? सर अब पहली बात अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और जो चीज़ टीचर बताते हैं या आपको अच्छे जो जो सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है वो पढ़िए, और कभी बोर मत होइए पढ़ाई से, इंटरेस्ट लेकर पढ़िए। भविष्य में क्या बनना चाहते हैं आप? इंजीनियर सर। इंजीनियर बहुत खुशी हो रही है कि बच्चे ने, बच्चे का जिले में दूसरा स्थान है। अच्छा, बच्चे का जिले में दूसरा स्थान है, मुझे आज बहुत खुशी है। जो मैं तो यहाँ जाती थी, स्कूल आती थी, आधा टाइम मेरे स्कूल में
लेती होता था, उसके बाद जब जाती थी देखती थी पढ़ता रहता था, फिर रात को भी 3-3 बज जाते थे, मैं भी इसके साथ जागती थी, और जब ये कहती थी बेटे सो जाओ फिर सुबह भी जल्दी उठा है, तो तब जाके सोता था, 3-3 बज जाते थे। भविष्य में क्या आप देखती हैं, कहाँ आप देखती हैं कि क्या करना चाहिए या क्या आपको लगता है? अब मुझे तो यही है कि अच्छी सर्विस करे, इसकी जो है इच्छा है मैं बीटेक करूँ। क्या आपको संदेश देना चाहिए, टीचर भी हैं आप, एक माँ भी हैं, तमाम ऐसे बच्चे हैं जिनके कम नंबर आए हैं, किस तरह से बिहेव करना चाहिए पेरेंट्स को आज के दिन अपने बच्चों के साथ, नंबर को लेकर एक जो दबाव होता है? वैसे तो मेरा कहना ये है, अगर किसी बच्चे के कम नंबर भी आते हैं तो पेरेंट्स को बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, उन्हें साहस में उत्साह करना चाहिए, कोई बात नहीं बेटे अगली बार कम आए हैं, अगली बार अच्छे नंबर आए, और बच्चों को हमेशा शुरू से ही अगर हम लेकर चलें तो बच्चे जो है कामयाब हो जाते हैं।